तारीख पर तारीख, ये फिल्मी डायलॉग आपने अक्सर न्याय व्यवस्था को लेकर सुना होगा, उसकी सुस्ती का ये प्रतीक बन गया है। अब यही बात देश के चुनाव आयोग के लिए कही जाने लगी है, क्योंकि देश में 3 राज्य की 14 विधानसभा सीटों पर जहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, अब 20 नवंबर को होगी। सबसे ज्यादा सवाल यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख बढ़ाने को लेकर उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब तक का सबसे बेहतरीन परिणाम भी देगा, हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। बीजेपी हार रही है, इसलिए उन्होंने कहा भाई थोड़ा बढ़ा दो। उनकी पराजय एक सप्ताह के लिए किसकी है? कोई हलचल मची हुई है, कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ ऐसी हलचल है कि पहले अयोध्या से सटी मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख नहीं आई। वजह का पता खुद बीजेपी के नेताओं को ही पहले नहीं होता। चुनाव आयोग बताता है कि सीट पर 2022 के चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता की ही आपत्ति कोर्ट में पड़ी है, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव टाला गया। फिर 9 सीट पर उपचुनाव की तारीख को 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया जाता है। उपचुनाव की तारीख 7 दिन और बढ़ी। अखिलेश यादव ने तीखा तंज कसा, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के इर्द गिर्द होती सियासत में लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। आगे अखिलेश मिल्कीपुर का उपचुनाव टालना और फिर उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाने को बीजेपी की कमजोरी बताते हैं। अखिलेश अपनी पोस्ट में चुनाव की तारीख आगे खिसकाने के पीछे वजह लिखते हैं, छठ दिवाली की छुट्टी पर उत्तर प्रदेश आए लोग बीजेपी के खिलाफ मतदान करते, इसलिए चुनाव की तारीख बढ़ा दी गई। अंत में लिख दिया, बीजेपी की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। चुनाव आयोग कहता है कि यूपी की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट के उपचुनाव को आगे बढ़ाने की मांग बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी समेत कई सामाजिक संगठनों ने की। चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब में पोलिंग डेट बढ़ाने की वजह गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। केरल की 1 सीट पर तारीख इसलिए बढ़ी क्योंकि 13 से 15 नवंबर तक कलपाथी रास्थोल सेवम उत्सव मनाया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में उपचुनाव बढ़ाने की वजह 14-15 नवंबर के बीच होने वाला कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। लगातार जन संगठनों की तरफ से, सामान्य जनता की तरफ से इस बात की डिमांड हो रही थी कि कार्तिक पूर्णिमा पर कई जगहों पर मेले लगते हैं, गंगा स्नान का हिंदुओं के भीतर बहुत महत्व है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज के कम हो जाने की संभावना थी। बहुत सारे लोग लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मत नहीं डाल पाते। निर्वाचन आयोग ने इन शिकायतों का, सुझावों का संज्ञान लेते हुए तिथियों में परिवर्तन किया है। इसी के बाद दस्तक देता सवाल आता है, क्या चुनाव आयोग को पता नहीं होता कि जहां वो चुनाव कराने जा रहे हैं वहां कौन सा बड़ा पर्व और त्योहार आ रहा है? चुनाव आयोग तभी तारीखें क्यों बदलता है जब राजनीतिक दल उसे याद दिलाते हैं? कोई हलचल मची हुई है, कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ये जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। हार रहे होगी बीजेपी, हार रही है इसलिए उन्होंने कहा भाई थोड़ा बढ़ा दो, हम और अपना 3-5 कर लें। बीजेपी चुनाव हार रही है तो उस हार से बचने के लिए उन्होंने तारीखें बढ़वा दी। चंद सीटों के बाई इलेक्शन साथ नहीं करवा पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कितनी भी डेट आगे बढ़वा लें, जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन उपचुनाव में कुछ नहीं बचा है। सर आप